और यहाँ पर पहुंचकर प्यारी सी स्नोफॉल ने हमारा यहाँ पर वेलकम किया है। तो यार दिल यही कर रहा है कि यहीं पे रुक जाऊं और रात भर यहाँ की स्नोफॉल इंजॉय करूं। दाढ़ी बाल कपड़े सब सफेद हो गया यार। वो देखो सामने बर्फ का शिवलिंग। तो यार आज का सीन कुछ ऐसा है, ये देखकर आप समझ गए होंगे कि हम बाइक राइड करने वाले हैं। बाइक से हम जाने वाले हैं सोलांग वैली। अटल टनल का रास्ता तो बंद है क्योंकि बाहर सारा बादल हो रखा है। अटल टनल की तरफ स्नोफॉल भी हो रही है, तो आज हम सोलांग वैली जाएंगे। वहाँ पर हम महादेव टेम्पल भी जाएंगे। हम कल भी गए थे लेकिन मेरा मोबाइल वगैरह सब लोग कहता है तो उस चीज़ का मैं उपयोग नहीं कर पाया। लेकिन आज आप लोगों को अंजनी महादेव टेम्पल सोलांग वैली पूरा वहाँ पर दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या क्या चलता है। निकलते अपने बाइक्स के ऊपर, वो खड़े हैं अपने तीन हिमालयन। तो यार अभी कर लेते हैं अपनी बाइक्स को वार्म अप स्टार्ट। सबसे पहले हेलमेट चांसेस तो बहुत है होगे, लेकिन हो अगर हो गए तो फिर दिल को सुकून मिल जाएगी। तो यार अभी तक मैं बाइक राइड कर रहा था लेकिन सीन ऐसा हो रहा है ना, जो मेरे पीछे पिलियन है ना, थोड़ा आज सुबह सुबह ही पी लिया तो वो बाइक में ना इधर उधर गिर रहा है, तो बाइक ऐसे 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 जा रही है। तो अभी यहाँ पर सीन ऐसे बना है कि उसको किसी दूसरी गाड़ी में शिफ्ट कर रहे हैं और जो दूसरी गाड़ी के पीछे पिलियन है वो मेरी गाड़ी चलाएगा। अभी पूरा आएगा गाड़ी भाई, यही बंदा है भाई, क्या ही बोलूं यार, थोड़ा टफ हो रहा है। अभी मैं एज ए पिलियन बैठूंगा और आप लोगों को सामने का सीन दिखाऊंगा क्योंकि स्नोफॉल होने वाली है यार। ओ भाई तीन दिन से यहाँ पर रुको, आज मैंने एक्सटेंड किया है, कल भी एक्सटेंड किया था। अभी यहाँ हल्के से ब्रेक के लिए रुके थे, निकलते हैं यहाँ से जल्दी जल्दी पहुँचते हैं सोलांग वैली। ऐसा ना हो कि वहाँ का रास्ता बंद हो यार। अभी हमारे दो बंदे पीछे रह गए हैं, वो आते हैं तो सबसे पहले हम जाएंगे अंजनी महादेव टेम्पल। ओ भाई स्नोफॉल देखो यार एक बार, पता नहीं गोप्रो अच्छे से कैप्चर कर पा रहा है पता नहीं, एक बार चेक करो यार यहाँ से। तो गाइस यार अभी देखो स्नोफॉल कितनी ज्यादा हो रही है यहाँ पर, और बढ़ चुकी है स्नोफॉल यहाँ पर भाई। अगर आप आना चाहते हो ना 25 जनवरी से पहले पहले यहाँ पर आ जाओ, रेड अलर्ट है मनाली में, स्नोफॉल आपको मिल जाएगी। देखो सफेद होने लगे मेरे कपड़े पूरे भाई साहब, क्या मजा आ रहा है यार। इधर देखो मैं कैमरे से दिखाता हूँ, ये देखो भाई कितनी तेज स्नो आ रही है, नेक्स्ट लेवल हो गया भाई ये तो। अगर यहाँ पर नेटवर्क होते ना तो मैं यूट्यूब पर लाइव कर देता आज, पक्की बात है लाइव कर देता, बट यहाँ नेटवर्क लाइव करना तो दूर की बात, यहाँ घर में कॉल नहीं मिल रही। ये देखो अरे भाई मेरे हेलमेट का हाल देखो, ओ भाई सर देखो इनका सफेद होने लग गया। तो काफी ज्यादा स्नोफॉल हो रही है यार, इसी चीज के लिए आया था भाई, फाइनली मिल गई। ये जो आप सामने पहाड़ देख रहे हो ना, ये हम कल जब आए थे तब यहाँ पर स्नो नहीं थी, लेकिन अभी स्नो कवर्ड होना स्टार्ट हो गया यहाँ पर। तो यार दिल यही कर रहा है कि यहीं पे रुक जाऊं और रात भर यहाँ की स्नोफॉल इंजॉय करूं। अभी हम अंजनी महादेव टेम्पल जा रहे हैं, रास्ते में स्नोफॉल काफी ज्यादा तेज हो चुकी है यहाँ पर, तो थोड़ा सा ना मजे लेने के लिए रुके हुए हैं। जो लोग ऊपर अंजनी महादेव टेम्पल से आ रहे हैं उन लोगों से पूछा तो वो लोग बता रहे हैं कि ऊपर तो इससे भी ज़्यादा तेज स्नोफॉल है। तो मेरे जो साथ हैं ना वो थोड़े ढीले हैं, वो फोटो शूट करने में 15-15 मिनट लगा रहे हैं। तो चलो यार चलता है, हर किसी को अपने हिसाब से इंजॉय करना होता है ना, लेकिन मेरा ये मानना है कि जल्दी जल्दी ऊपर जाएं, सोलांग वैली घूमें और उसके बाद वापस निकलें, क्योंकि बाद में ये दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि हम बाइक्स पर हैं तो ब्लैक आइस बन जाएगी, तो नीचे उतरना मुश्किल हो जाएगा, फंस जाएंगे यहाँ पर। दाढ़ी बाल कपड़े
सब सफेद हो गया यार। पहली बार स्नोफॉल देख रहा हूँ यार, इतनी ज़्यादा हैवी पहली बार, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है यार। जल्दी से जल्दी मनाली आ जाओ अगर आप लोगों को भी ये सेम एक्सपीरियंस चाहिए। 25 तक स्नोफॉल लिखी हुई है नेट में भी, जल्दी से जल्दी आ जाओ। जिप लाइन एक्टिविटीज़ जब हम अंजनी महादेव टेम्पल की तरफ आते हैं। और यार ये सामने के पेड़ देखो, जितने भी छोटे छोटे पेड़ हैं ना, सारे के सारे स्नो कवर्ड हो चुके हैं। और इधर के पेड़ भी स्नो कवर्ड, वो वाले तो हो चुके हैं, ये बड़े बड़े पेड़ भी स्नो कवर्ड होना शुरू हो चुके हैं। आधे घंटे में पूरे स्नो कवर्ड हो जाएंगे ये भी। अंजनी टेम्पल जहाँ से हार्डली 300 मीटर बचा है, लेकिन यहाँ पर स्लिपरी इतनी ज़्यादा है ना, दो बार गिर चुका हूँ मैं। हो भाई नेक्स्ट लेवल है यार, स्नोफॉल काफ़ी तेज है। वो देखो सामने बर्फ का शिवलिंग। अभी चलते हैं ऊपर, कैमरा मैं बंद कर रहा हूँ बिकॉज कैमरे के चक्कर में मैं ही ना गिर जाऊँ। तो यार अभी डिसीजन यही लिया है, वो लोग जब आएंगे मैं ऊपर तक चलता हूँ, क्योंकि अभी फिलहाल स्नोफॉल भी यहाँ पर कम हो गया है, लेकिन थोड़ी देर में बढ़ने वाला है। वो देखो सामने का व्यू देखो यार, सारा बादल नीचे लगा हुआ और पेड़ देखो, सारे पेड़ स्नो कवर्ड हो चुके हैं। यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ती हैं अंजनी महादेव टेम्पल की तरफ, तो टेम्पल में चलते हैं, वहाँ जाकर आपको दिखाता हूँ कि क्या माहौल है वहाँ पर। और ये हेलमेट यहाँ पर रखा था मैंने, हेलमेट का देखो क्या हाल हो गया भाई साहब, पूरे स्नो कवर्ड हो गए। चलो यार अपन तो निकले। यहाँ पर लिखा है कृपया जूते यहाँ चप्पल जहाँ उतारें, लेकिन सब लोग जूतों के साथ ऊपर हैं, हालांकि 500 रुपये का जुर्माना भी रखा है। हाँ मे भी सर्दियों में जूतों के साथ जा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि स्नो होती है, अगर जूतों के बगैर जाएंगे तो मैं भी ऊपर तक नहीं पहुँचा जाएगा, तो मैं भी जूतों के साथ ही ऊपर जा रहा हूँ। सॉरी यार जूतों के साथ जाना पड़ रहा है मेरे को भी, आई एम रियली सॉरी। तो लो जी फाइनली पहुंच चुके हैं अंजनी महादेव टेम्पल। यहाँ पर तो ये रास्ता बंद है, मैं इधर से जाकर आप लोगों को दिखाता हूँ एक बार क्या माहौल है ऊपर का। और वो देखो वो ऊपर से वाटरफॉल हो रहा है, यहाँ पर गिर रहा है, यहाँ इसके नीचे शिवलिंग है, तो यहाँ पर जब ये पानी गिरता है ना तो वो पानी जम जाता है, तो बड़ी शिवलिंग बन जाती है। तो इधर से जाकर दिखाता हूँ एक बार आप लोगों को, अभी बोलना भी नहीं जा रहा है ठंड की वजह से। कुछ ऐसा माहौल है देखो, लो जी कर लो दर्शन अंजनी महादेव टेम्पल के। ओ भाई, और यार यहाँ का जो माहौल है ना बिल्कुल ही अलग है, सारा कुछ सफेद है। वो देखो पेड़ वेड़, हल्का सा जूम करता हूँ, पेड़ वेड़ सब कुछ सफेद है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है जन्नत में घूम रहा हूँ। यही तो है यार, यही तो लाइफ का एक्सपीरियंस है, तरह तरह की चीज़ें घूमना, और ऐसे वेदर में जहाँ -6 -7 डिग्री सेल्सियस चल रहा है अभी। यार अगर आप लोग मनाली आते हो ना, मनाली से सोलंग वैली, तो अंजनी महादेव टेम्पल का रास्ता कई लोगों को नहीं पता। वो देखो आप लोग जब आओगे ना ट्रैक करके या खच्चर पर, तो ये आपको एक टेम्पल मिलेगा, टेम्पल कई लोगों को पता नहीं है, वो टेम्पल से वापस जा रहे हैं, लेकिन वहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ आती है, ऊपर आकर है अंजनी महादेव टेम्पल। कई लोग यहाँ पर कह रहे थे कि कई यूट्यूबर दिखाते हैं कि अंजनी महादेव की शिवलिंग होती है, वो तो है नहीं यहाँ पर, उन लोगों को पता नहीं है, वो लोग टेम्पल से वापस जा रहे हैं। तो कई लोगों को तो मैंने बताया कि शिवलिंग ऊपर है, वो लोग ऊपर भी आए हैं, तो यही है जी, यही वाली जो बर्फ नहीं दिख रही, इसके नीचे शिवलिंग होती है, ऊपर से पानी आता है वो सारा जम जाता है, तो शिवलिंग बड़ी हो जाती है। अभी मैं उतरता हूँ नीचे, उसके बाद सोलंग वैली जाएंगे। कल भी गए थे, कल का आप लोगों को दिखाया कि वहाँ स्नो वगैरह कुछ भी नहीं था, लेकिन आज माहौल कुछ अलग होगा। अभी यहाँ पर मैगी की ब्रेक के लिए बैठे हैं, लेकिन स्नोफॉल इतनी ज़्यादा दोबारा से स्टार्ट हो गई ना, ओ भाई ठंड लग रही है भाई,
यार बहुत मैगी पार्टी। अब तो कुछ ज्यादा ही स्टार्ट हो गई है स्नोफॉल, इतने बड़े बड़े रुए गिर रहे हैं अभी, देख रहे हो ये देखो आप लोग भाई आप में चली गई ठंडी ठंडी। ये भाई लोग तो ऊपर तक नहीं जा पाए यार, क्यों नहीं गए? हम लोग का हालत खराब हो गया, बहुत ऊंचा था, चल नहीं पाया, चल ही नहीं पाए हम लोग इतना। कोई नहीं कोई बात नहीं, मेरी वीडियो देख लेंगे ये लोग फील लेने के लिए, उसके बाद एक बार फील लेके फिर से दोबारा आएंगे यही में, फिर उसके बाद ऊपर जाएंगे। काफी ज्यादा स्नोफॉल हो रहा है देख रहे हैं आप लोग, मेंशन नीचे भी हो रहा है, मनाली भी, सिस्कल मनाली। ये जो सुकून है ना जो मुंह पे गिरती है बर्फ, ये नेक्स्ट लेवल है भाई या, ये जो सुकून है ना नेक्स्ट लेवल है। और ये देखो क्या हाल हो गया, मैगी का कुछ अलग ही यहाँ पे मतलब टेस्ट स्वाद है अलग ही, आप फील आती है खाते आते हैं पहाड़ों के साथ ही मैगी का कॉम्बिनेशन बैठते है, ऊपर से स्नोफॉल हो रही हो फिर तो वो नेक्स्ट लेवल हो जाता है। मैगी इज मेड फॉर दिस माउंटेन। तो लव जी फाइनली पहुंच चुके हैं सोलांग वैली की मार्केट में। एक्चुअली क्या है ना टूरिस्ट अभी थोड़ा कम हो गया, सब नीचे की तरफ निकल गए क्योंकि स्नोफॉल काफ़ी ज़्यादा हैवी शुरू हो गया था, तो रास्ते बंद होने का डर था, लेकिन हम बाइक वाले बंदे अभी भी इधर ही घूम रहे हैं। तो अभी आप लोगों को सोलांग वैली का आगे जाके एक बार व्यू दिखाता हूँ जल्दी जल्दी, फिर मैं भी निकलता हूँ। अगर ये सारा पानी जम गया ना, ब्लैक आइस बन गई, तो भाई वाट लग जाएगी कसम से। नहीं अभी स्नो वाली इधर ही एंजॉय कर ली, फिर कल देखेंगे, कल दोबारा आना ही इधर स्नो पॉइंट कह रहे थे, बट इधर इतनी बर्फ देख ली, इधर जाके क्या करना है, फालतू का खर्चा। सोलांग वैली काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ के लिए जाना जाता है, लाइक पैराग्लाइडिंग, जंपी और जिप लाइन। तो यार फाइनली वैली में पहुंच चुके हैं, कल का व्यू मैंने आप लोगों को दिखाया था, सोलांग वैली में कुछ भी नहीं था, मतलब सफ़ेद तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन अभी कुछ चेंज हुआ है, जहां पर स्नोफॉल थोड़ी कम हुई है अंजनी महादेव टेंपल के मुकाबले, वहां पर तो काफ़ी ज़्यादा हैवी थी यार, लेकिन हाँ इधर का भी हल्का हल्का सफ़ेद होना शुरू हो चुका है, सुबह तक पूरा ही सफ़ेद हो जाएगा क्योंकि कल रात तक लगातार स्नोफॉल लिखी हुई है यहाँ पर। ये देखो हल्का हल्का सफ़ेद होना यहाँ से शुरू हो चुका है, वहाँ से आप टिम्बल ट्रेन लेकर ऊपर वो ऊपर तक जा सकते हो, वो वहाँ तक। हाथ इतने कांप रहे हैं यार क्योंकि मैं हाफ ग्लव्स में फिर रहा हूँ, ये पीछे से साइकिलिंग वाले ग्लव्स है तो समझ सकते हो कि पीछे से भी पतले होंगे, लेकिन यार पैसा वसूल हो गया यहाँ पर आकर। मैंने आपको पहले भी बताया अगर आप लोग आना चाहते हो ना तो 25 तारीख तक आ जाओ, आपको स्नोफॉल देखने को मिल जाएगा। ये देखो अभी इधर भी स्नोफॉल हो रहा है लेकिन ऊपर के मुकाबले कम है, ये सफ़ेद होना शुरू हो गया यहाँ पर भी, वो ऊपर के पहाड़ बिल्कुल ही सफ़ेद हैं, टूरिस्ट भी कम हो गया यहाँ पर। तो चलो आप लोगों को सोलांग वैली भी घुमा दी, हाँ मैंने थोड़ी काली काली में घुमाई क्योंकि वापस निकलना है, सड़कें वगैरह बंद हो गई, ऊपर से बाइक पर हूँ तो दिक्कत होगी। अभी चलते हैं सीधा अपने हॉस्टल में जाकर ही आप लोगों को मिलूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो यार खाना वाना खाकर हम लोग रूम में आ गए थे, एक्चुअली कपड़े वगैरह सारे भीगे थे जी, अभी भी सूखने यहाँ पर डाले हुए हैं, कपड़े वगैरह सारे भीगने के चक्कर में ना अंदर से इतनी ठंड लग रही थी कि सीधा मैं अपनी रजाई में घुस गया था, सोचा था खाली वीडियो की क्लोजिंग करूँगा, लेकिन अभी बाहर से पता चल रहा है कि बाहर काफ़ी ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हो रहा है, हमारे हॉस्टल की बालकोनी से दिख रहा है, मैं आप लोगों को अभी बाहर जाके दिखाता हूँ। तो ये लो ये खोला गेट और सामने ही है स्नोफॉल, तो यार ऐसा लग रहा है कि सुबह तक ओल्ड मनाली भी पूरी सफेद हो जाएगी। अभी तो मैं जा रहा हूँ सोने, आज की वीडियो को भी करते हैं यहाँ पर क्लोज,
मिलते हैं कल आप लोगों से एक नए व्यू के साथ, नए दिन के साथ। तब तक के लिए जय भोले।